हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। हिंदी सिनेमा के सात विलेन अपने अपने दौर में बॉलीवुड पर छाए रहते थे। पर्दे पर आते तो लोग सिहर उठते, अदाकारी ऐसी कि सच में गालियां मिलने लगती। बड़े बड़े हीरो से ज्यादा लोग इनके दीवाने हुआ करते, मगर ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि इन सात फिल्मी खलनायकों का क्या हुआ, कैसे इनके जीवन का अंत दर्दनाक मौत के साथ हुआ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होगी माणिक ईरानी की। 80 और 90 के दशक का शानदार विलेन, कभी भूत बनकर पुरानी हवेली में आता तो सिहरन उठ जाती, कभी अमावस की रात में शैतान बनकर डरा देता। हीरो फिल्म में बिल्ला बनकर आया तो माणिक ईरानी का नाम ही लोगों ने बिल्ला रख दिया। बंबई में पैदा हुए माणिक ने 1974 में विदाई फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा। शानदार बॉडी के दम पर धीरे धीरे फिल्मी दुनिया पर छा गए। विश्वनाथ, मिस्टर नटवरलाल, शान और हीरो जैसी फिल्मों के बाद करियर ऐसा चमका कि हर साल 10 से 12 फिल्में करने लगे। टाइम ही न रहता, मगर दोस्तों एक दिन सब खत्म हो गया। बुरा दौर शुरू हुआ जब पत्नी माणिक को छोड़कर चली गई। इसके बाद इकलौते बेटे को अकेले ही पालकर बड़ा किया, मगर बदकिस्मती देखिए, जिसको दिल जान देकर पाला उस बेटे की एक दिन तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। बेटे की मौत बर्दाश्त न हुई और माणिक ईरानी शराब में डूब गए, दिन रात सिर्फ शराब पीने लगे। बेटे की मौत के गम में इतनी ज्यादा शराब पी ली कि लिवर और किडनी सब खराब हो गए और बॉलीवुड के इस मशहूर विलेन की दर्दनाक मौत हो गई। दूसरा विलेन तो बड़ा शानदार था, काला चेहरा, आधा गंजा सिर और चेहरे पर हंसी ही नहीं, गंगा स्वामी रेड्डी यानी रामी रेड्डी। 1959 को आंध्र प्रदेश में जन्मा ये विलेन पहले पत्रकार हुआ करता, बाद में दोस्तों की सलाह पर तेलुगु फिल्मों में भाग्य आजमाया तो खूब छा गया। अब इतने शानदार एक्टर पर बॉलीवुड वालों की नजर पड़ते देर न लगी। 1989 में तेलुगु फिल्म अंकुशम आई तो रामी रेड्डी की बेमिसाल एक्टिंग देख 1990 में प्रतिबंध फिल्म बन गई। इसमें विलेन नाना स्पॉट बनकर रामी ने ऐसी दहशत भर दी कि लोग दीवाने हो गए। फिर तो वक्त हमारा है के कर्नल चिकारा, 420 के रंग का, दिलवाले के गून, अंगरक्षक में वेलू, लोहा में टकला, दादा में यशवंत से लेकर अंजी में गुरुजी के किरदार ऐसे किए कि बॉलीवुड में कोई मुकाबला करने वाला ही न रहा। मगर दोस्तों रामी का ऐसा दर्दनाक अंत होगा सोचा ना था। 50 साल के आसपास ही लिवर की बीमारी लग गई, शरीर सूखने लगा, बहुत इलाज करवाया मगर बीमारी बढ़ती गई, बाद में किडनी भी खराब हो गई, अंत में मोटा तगड़ा शरीर सूखकर कांटे जैसा हो गया। जो भी मिलने जाता रामी की हालत देखकर रोने लग जाता। 24 अप्रैल 2001 के दिन सिर्फ 52 साल में लिवर और किडनी दोनों फेल हो गए और रामी की मौत हो गई। तीसरे खलनायक का दौर 70 और 80 का बॉलीवुड था। गोरा चिट्टा विलेन यशराज, नाम तो था यूसुफ मगर पहचान यशराज। 1 मई 1940 को मिस्र में जन्मे यूसुफ अबू शेर को 60 का दशक बंबई खींच लाया। भटकते भटकते पहली बार मंजिल मिली 1969 में जंगल की हसीना फिल्म से, मगर फ्लॉप। बाद में नाम यशराज रखा तो करियर चल पड़ा। 1972 में फिल्म बॉम्बे टू गोवा में बॉक्सर जॉन के किरदार से पहली बार कामयाबी मिली, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मगर अब हीरो बनकर नहीं विलेन बनकर छाए। नैना, दो फूल, दुनिया का मेला, धर्मात्मा से लेकर हरफन मौला जैसी फिल्मों में विलेन बनकर खूब नाम कमाया। मगर 1977 में अमर अकबर एंथोनी फिल्म में जुबिस्को का रोल तो उनका दूसरा नाम ही बन गया। फिर तो परवरिश, विश्वनाथ, डॉन, देश परदेश, मुकद्दर का सिकंदर, नसीब, कर्ज, डिस्को डांसर और बॉक्सर जैसी फिल्मों ने यूसुफ को अपने दौर का मशहूर विलेन बना डाला।
लेकिन कौन जानता था इनका नसीब ऐसा निकलेगा। साल था 1985। यूसुफ हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उस दिन सुबह से ही शूटिंग चालू हो गई थी। उनके सीन शूट हो रहे थे तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। सिर में अचानक भयानक दर्द शुरू हो गया और वो सेट पर ही लड़खड़ाकर बेहोश हो गए। चारों तरफ हड़कंप मच गया। फौरन उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेक किया तो पता लगा कि उनकी तो मौत हो चुकी थी। असल में उनको दिमागी बीमारी थी, जिससे उनको सेट पर ब्रेन हैमरेज हो गया। सिर्फ 45 साल में उनकी मौत हो गई। चौथे खलनायक की क्या बात करें, बड़े बड़े हीरो की ऐसी पर्सनैलिटी ना थी। महेश आनंद 80-90 के बॉलीवुड का जबरदस्त फिल्मी गुंडा। 13 अगस्त 1961 को बंबई में पैदा हुआ ये कलाकार पिता का गैराज संभालता था। एक दिन रीना रॉय की बहन बरखा रॉय कार लेकर आई तो दोनों की दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदली और बरखा ने महेश को बॉलीवुड में लॉन्च कर दिया। हेमंत बिरजे की टार्जन फिल्म पहले इनको ही मिलते मिलते रह गई थी। खैर 1987 में सुपरहिट इंसाफ फिल्म आई तो महेश चमक उठे। फिर तो आपने इनको कई फिल्मों में देखा बुरे किरदारों में। कभी शहंशाह में गली का गुंडा बने दिखे तो कभी संजय दत्त की गुमराह में रैंक फाइटर, गंगा जमुना सरस्वती, सोने पे सुहागा, कब्जा, हथियार, इलाका, मुजरिम, तूफान, विश्वात्मा जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में नाम हो गया। मगर महेश आनंद के साथ क्या हुआ जानकर चौंक जाएंगे। 1996 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हेलीकॉप्टर से गिर गए, रीढ़ की हड्डी टूट गई। साल भर बेड पर ही पड़े रहे और सारी फिल्में एक के बाद एक हाथ से निकलती चली गई। किसी ने साथ नहीं दिया, जो बचा था वो सौतेले भाई ले उड़े। धीरे धीरे महेश डिप्रेशन में आ गए और शराब के लती हो गए। समय इतना खराब हो गया कि ऑटो तक के पैसे उनके पास न बचे। शराब पीते पीते एक दिन कैंसर हो गया। फिर 9 फरवरी 2009 को इनको टिफिन देने जो युवक आया, उसने पड़ोसियों को बताया कि 2 दिन से टिफिन बाहर ही पड़े हैं और अंदर से बदबू आ रही है। फिर पुलिस पहुंची, दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर महेश आनंद की लाश 3 दिन से सोफे पर पड़ी सड़ रही थी। 57 साल के इस विलेन की इतनी दयनीय मौत होगी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पांचवा विलेन तो सच में लाजवाब था, भूरी आंखों से ही खलनायक लगा करता, महावीर शाह, 80 की हिंदी फिल्मों का बेमिसाल गुंडा। 5 अप्रैल 1960 को बंबई में जन्मे इस विलेन को आपने भी किसी न किसी फिल्म में जरूर देखा होगा। क्या गजब की एक्टिंग करते। 80 और 90 की फिल्मों में घूसखोर पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में महावीर से ज्यादा कोई फिट नजर ही ना आता। आपने भी देखी होगी 1988 में तेजाब, जिसमें ये इंस्पेक्टर गुप्ता बने थे, या 1990 में पुलिस पब्लिक का इंस्पेक्टर खेरा, या 1991 में नरसिम्हा फिल्म का जेलर शिंदे आपको याद होगा। वैसे तिरंगा फिल्म में भी वो जेलर ही बने थे। मगर इनका अंजाम इतना दर्दनाक होगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। साल 2000 को परिवार और दोस्तों के साथ विदेश घूमने की योजना बनाई। 31 अगस्त का दिन था, रोड से शिकागो की ओर जा रहे थे। एकाएक किसी वाहन ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। एक्सीडेंट तो मामूली था, किसी को कुछ ना हुआ। बस एक बार तसल्ली करने कार से उतर गए और परिवार का हाल पूछने लगे। सब ठीक है ये जानकर वापस कार में बैठने की तैयारी कर ही रहे थे कि इस बार दूसरी कार बेकाबू होकर पीछे से आई और महावीर शाह को रौंदते हुए निकल गई। इतने भयानक हादसे में उसी रोड पर वो तड़पते हुए मर गए। बस 40 साल में उनका ऐसा अंत सच में सबको हैरान कर गया। छठा विलेन तो खलनायक कम हीरो ज्यादा लगता, नाम था केविन पैकर्ड। जिम में सधी हुई बॉडी तो हीरो पर भारी पड़ जाया करती। 9 जून 1964 को बंबई में पैदा हुए केविन आयरिश अमेरिकन थे। बॉडी बिल्डिंग में खूब नाम कमाया तो दोस्तों ने फिल्मों में जाने की सलाह दी।
साउथ सिनेमा में एंट्री भी मिल गई जब एक बार डायरेक्टर प्रियदर्शन ने उनको बॉडी बिल्डिंग करते देख लिया। फिर साउथ होते हुए बॉलीवुड भी पहुंच गए। 1991 में आई सड़क फिल्म ने ऐसा नसीब चमका दिया कि फिर तो मशहूर हो गए। चमत्कार, तिरंगा, दीदार, आंखें, वक्त हमारा है, तड़ीपार, यशवंत लोहार, खिलाड़ियों का खिलाड़ी से लेकर बड़े मियां छोटे मियां जैसी न जाने कितनी हिट फिल्मों में अपना किरदार दिखाया। मगर गैविन का अंत भी बहुत बुरा हुआ। 90 का दौर खत्म हुआ तो इनको काम मिलना भी कम हो गया। शराब की लत लग गई, खूब शराब पीने लगे और साल 2010 में नशे में भयंकर एक्सीडेंट हो गया। हादसे के बाद उठने के काबिल ही न रहे और बिस्तर पर आ गए। पत्नी छोड़कर चली गई। ऐसी दयनीय हालत भाई से देखी न गई तो अपने घर ले आया। बस गैविन बेड पर पड़े पड़े अपनी मौत का इंतजार करने लगे। 18 मई 2012 को तबीयत ऐसी खराब हुई कि जब तक कोई अस्पताल ले जाता उनकी तड़पते तड़पते मौत हो गई। मौत भी ऐसी गुमनाम कि बॉलीवुड का कोई कलाकार झांकने तक नहीं पहुंचा था। सातवें खलनायक का दशक नहीं दौर हुआ करता था। अमरीश पुरी, जिनके जैसे विलेन हजारों साल में शायद एक बार ही जन्म लेते हों। आंखों का इशारा ही अदाकारी करने लगता। मोगैम्बो खुश हुआ क्या बोला, पब्लिक ही खुश हो गई। तांत्रिक सपेरा बनकर बीन क्या बजाई, लोग रोमांच से भर उठे। 22 जून 1932 को नवा शहर पंजाब में जन्मे। पहले बीमा कंपनी में काम किया, फिर भाई की मदद से फिल्मों में पहुंच गए। रेशमा और शेरा फिल्म में रहमत खान क्या बने, फिल्म मेकर समझ गए कि किसी महान कलाकार की आमद हो गई है। ऐसी ऐसी फिल्में, ऐसे ऐसे किरदार शायद ही किसी ने किए हों। उनके दौर में वो अकेले ऐसे खलनायक हुआ करते जिनकी फीस करोड़ों में रहती। मगर इनका अंत ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं था। अदाकारी में व्यस्त अमरीश की तबीयत बहुत खराब हुई तो चेकअप कराया गया। रिपोर्ट आई तो सब हैरान। उनको एक बहुत दुर्लभ ब्लड कैंसर हो गया था जिसको माइलोडिस प्लास्टिक सिंड्रोम कहते हैं। कैंसर ने उनकी हालत दिन ब दिन बिगाड़नी शुरू कर दी। खूब इलाज हुआ मगर सब बेकार। पहले ही कैंसर ने शरीर बर्बाद कर डाला था। उस पर दो दो बार मलेरिया की बीमारी ने इतना कमजोर कर दिया कि बिस्तर से उठना तक उनके लिए मुश्किल हो गया। कमजोरी इतनी आ गई कि 2005 में बाथरूम जाने के लिए उठकर चलने लगे तो चक्कर खाकर फर्श पर गिर पड़े। सिर में गंभीर चोट आ गई। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया तो पता लगा कि दिमाग में थक्के जम गए हैं। जान बचाने के लिए फौरन सर्जरी की गई, लेकिन सर्जरी के बाद वो कोमा में चले गए। कोमा में ही 12 जनवरी 2005 के दिन बॉलीवुड के इस महान विलेन की मौत हो गई। दोस्तों, आपको इन सातों में कौन सा विलेन याद है? क्या आपने इनमें से किसी की कोई फिल्म या किरदार देखा है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।